देखते रहिए यूबीएन जीरो एट भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। शिवराज सिंह ने दिया भाषण में कहा, आज का समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, कोरोना महामारी के रूप में सामने आया है। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और सामान्य कार्यकर्ता भी शिवराज ने आभार माना। पार्टी माँ है, माँ के दूध की लाज रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व का माना आभार। शिवराज सिंह चौहान का विधायक दल की बैठक में संबोधन। गोपाल भार्गव ने प्रतिपक्ष के नेता के साथ साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया। नरोत्तम मिश्रा सरकार को सचेत करते रहे। नरोत्तम मिश्रा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 15 साल में कोई कसर कोई चूक अब नहीं रहने देंगे। शिवराज सिंह का बयान, देखते रहिए यूबीएन जीरो एट। हमारे वरिष्ठ नेता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विधायक श्री शिवराज सिंह जी चौहान का नाम प्रस्तावित रहा। आदरणीय गोपाल भाइयों जी ने मध्य प्रदेश के पूर्व विशिष्ट मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का प्रस्ताव विधायक दल के नेता के तौर पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। मेरा अनुरोध है इस सदन से, संपूर्ण विधायक दल से, कि उनके इस प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि इसमें जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करने के लिए आप ऐसे जो भी जिनको लगता है कि हमको अनुमोदन करना है वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं नरोत्तम मिश्रा जो माननीय गोपाल भार्गव जी ने नाम प्रस्तावित किया है उस नाम का समर्थन करता हूं। मैं गोपीलाल जाटव जो भार्गव साहब ने दल के नेता के लिए जो है प्रस्ताव किया है हृदय से मैं समर्थन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता को सुचारू रूप से चलाएंगे। जय हिंद जय भारत। मैं हृदय से आभारी हूं। मन में संकल्प बस केवल यही है कि जो विश्वास व्यक्त किया है पार्टी ने उस विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। पूरे समर्पण निष्ठा और परिश्रम पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा प्रयत्नों की परिसीमा करूंगा। लेकिन फिलहाल केवल एक लक्ष्य है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोक के जनता को सुरक्षित करना। और इसलिए शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मैं इसी काम में जुटूंगा। अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से मैंने अपील की है, मैं फिर अपील करता हूं कि उत्सव का समय नहीं है, जश्न का समय नहीं है। कोई उत्सव ना मनाए, कोई सड़कों पर ना निकले, घर में रहकर ही भगवान से प्रार्थना करें कि अच्छी सरकार का अवसंचालन हो जनता के लिए प्रदेश के लिए। लेकिन हम कोई उत्सवी मूड में ना आए, एकमात्र लक्ष्य है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना, कोरोना महामारी को समाप्त करना, उसी काम में लगना है। और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें शक्ति दे ताकि इस महामारी को हम रोक सकें, इसका खात्मा कर सकें। एक बार पुनः हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, विधायक साथियों का और जनता जनार्दन का मैं आभारी हूँ।